11वीं वाहिनी एनडीआरएफ टीम गोरखपुर ने आज एलपी के इंटर कॉलेज बसडीला सरदार नगर गोरखपुर में आपदा की विविध परिस्थितियों का सामना करते हुए जन धन पशु संपत्ति की रक्षा के व्यवहारिक उपायों का प्रदर्शन कर विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया। एनडीआरएफ के प्रभारी दीपक मंडल ने इस अवसर पर कहा कि आपदा प्रबंधन का अर्थ है कि ऐसे सभी उपाय किए जाने चाहिए जिससे खतरा आपदा का रूप ना ले। उन्होंने कहा, हम कई प्राकृतिक खतरों को आने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए उचित प्रबंधन द्वारा उनके हानिकारक प्रभाव को कम कर सकते हैं। आपदाएं प्राकृतिक या मानवीय खतरों के परिणाम हैं। प्राकृतिक आपदाओं में भीषण आग लगना, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा, दुर्घटना, भूस्खलन, हिमस्खलन, बिजली का गिरना आदि शामिल हैं। उन्होंने विद्यालय को आपदा प्रबंधन का किट भी प्रदान किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. दिनेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि आपदा प्रबंधन से जुड़ी जानकारियां विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा वर्ग आपदाओं के समय होने वाले जनधन की हानि को कम करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। आज जिस प्रकार से हार्ट अटैक की घटनाएं सुनाई दे रही हैं, यदि हमारी युवा पीढ़ी CPR प्रशिक्षित हो तो कई नागरिकों का जीवन बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि छात्रों और अध्यापकों का क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्य आपदा की स्थिति में विद्यालय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। विद्यालय के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी श्री सृष्टि राज दुबे ने स्कूल में घटित होने वाली आपदाओं, भवन में आग, भूकंप आना, भवन गिरना, कक्ष का स्लैब गिरना, दुर्घटना, बिजली का झटका आदि से बचाव व त्वरित उपचार के उपाय पर विस्तार से चर्चा किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मार्क डील में स्वयं प्रतिभाग कर आपदाओं के समाधान का उपाय प्रत्यक्ष रूप से जाना।